पुलिस ने महिला उत्पीड़न को लेकर 1090 डायल 112 के बारे में विस्तृत जानकारी महिलाओं को दी। नोएडा थाना फेज टू अंतर्गत महिला उत्पीड़न डायल 112 व 1090 को लेकर डीसीपी ह्यूमन प्रीति यादव और डीसीपी सेंट्रल राम बदन सिंह द्वारा महिलाओं के साथ चर्चा की, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, महिला उत्पीड़न में किसी भी तरह से महिलाओं के साथ छेड़छाड़ को लेकर अन्य किसी भी अपराध करता है तो मिशन शक्ति के तहत अपराध के तहत कार्रवाई की जाएगी और महिलाओं को जागरूक करते हुए हर परिस्थिति में जीने के अधिकार के बारे में बताया। अब किसी भी तरह से महिला उत्पीड़न को खत्म करना है, महिलाओं का भी अधिकार है जो अपने जीवन में किसी तरह से दबाव में ना आए और पुलिस के लिए सुरक्षा में हमेशा पुलिस उनके तत्पर रहेगी। मुकेश गुप्ता, नोएडा, समाचार 24। आज महिला शक्ति के लिए ये जो 1090 और 112 नंबर को लेकर जागरूकता के लिए क्या मुख्य उद्देश्य है? पुलिस आयुक्त गौतम बुद्ध नगर श्रीमती लक्ष्मी जी के निर्देशन में आज ये मिशन शक्ति का कार्यक्रम जो है फेज टू थाने में रिचा ग्लोबल स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में चलाया गया है। यहाँ पे करीब करीब 300 से 400 महिलाएं जो हैं उपस्थित रहीं इस पूरे कार्यक्रम में, और इस पूरे कार्यक्रम में हमने उनको जो है जितनी भी सरकार की हेल्पलाइन नंबर्स है उनके लिए जागरूक किया है, जैसे कि 1090 हुआ, 112 हुआ, 1098 है, 181 है, ताकि वो जब भी कोई ऐसी सिचुएशन में, ऐसी अनसेफ सिचुएशन में फंसे जहाँ पे उनको पुलिस सहायता की आवश्यकता है, वो उनको साथ साथ मिल सके और वो निर्भीक होकर अपनी आवाज़ उठा सके, इसलिए ये कार्यक्रम चलाया गया। मैम, कुछ महिलाओं की ये शिकायत है 1090 मिलाने से मिलता नहीं है, इसकी वजह क्या है? हो सकता है जब उन्होंने डायल किया हो उस समय लाइन जो है बिजी चल रही हो, इसलिए ना मिला हो, बट अन्यथा जो है 112 और 1090 पर आप अपनी शिकायत जो है दर्ज करा सकते हैं। क्योंकि सरकार लगातार 1090 को प्रभावशाली बना रही है, कहाँ इसकी इतनी बड़ी वजह है जो महिलाएं लगातार शिकायतें करती हैं, थाने पे आके शिकायतें करती हैं? अभी तक मेरे संज्ञान में ये चीज़ नहीं आई है, बट अगर कोई ऐसी शिकायत भी हो जिसमें थाने पे आके महिलाएं अपनी प्रॉब्लम बता रही हैं, तो थाने स्तर से भी उसमें जो है हम गोपनीय ढंग से महिला सुरक्षा इकाई के तहत उस समस्या को सुन के उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देते हैं।